तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। स्क्रॉपी के फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है लावा का फोन, आई शुरू करते हैं। और इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तब आपको यहाँ पर दिख जाता है। और एडवांस का ऑप्शन आप उस पर क्लिक कर देंगे, रीसेट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका इरेजर ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ दिख जाता है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। फ़ोन को हम रीसेट तब करते हैं जब आपके हैंगिंग प्रॉब्लम या फिर टच स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा हो। फोन का रीसेट करना फैक्ट्री रीसेट करना एक ही बात होता है, एंड दोनों को एक ही चीज़ कहते हैं। और फ्रेंड्स, तभी रीसेट किया जाता है जब आपके में जैसे स्क्रीन लॉक भूल जाते हैं, तो स्क्रीन लॉक तोड़ने के लिए फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है, फ़ोन का रीसेट करना पड़ता है। एंड पर इस पर क्लिक करने से पहले इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें योर गूगल अकाउंट, डाउनलोड ऐप्स, म्यूजिक, फोटोज़, अदर डाटा है आपकी फ़ोन में, तो वह सभी चीज़ें आपकी फ़ोन से हट जाएंगी। अगर आप चाहते ऐसा ना हो तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ दूसरे फ़ोन में शेयर कर लेंगे, तो उससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एंड वैसे इसी तरीके से करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं रीसेट हो जाएगा, पर मैं नहीं करी क्योंकि मेरे फ़ोन एकदम सही है। अगर आपको लगता है सही नहीं है तो आप रीसेट करें। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में फैक्ट्री रीसेट करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।